आज का पाठ है तत्पुरुष समास का एक भेद नए तत्पुरुष समास। इस पाठ में हम जानेंगे नए तत्पुरुष समास की परिभाषा, समझेंगे कुछ उदाहरणों के साथ और करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। इस पाठ को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अन्य भेदों की वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पहला पद निषेधात्मक या नकारात्मक अर्थ का होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो या न के अर्थ में हो, वहां नए तत्पुरुष समास होता है। इन समस्त पदों में न के अर्थ में हम उपसर्ग लगाते हैं, कौन कौन से, अ और अन। और इसके अतिरिक्त हम जो हिंदी के तद्भव शब्द हैं उनमें हम अन लगाकर भी ऐसे समासिक पद बनाते हैं। ये न के साथ हल चिन्ह है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि एक सामासिक पद है असभ्य, इसका जब विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे न सभ्य। अब यहां लिखा है अनिष्ट और इसका विग्रह करेंगे तो होगा न ईष्ट। तो हमने देखा कि उपसर्ग अ अन और अन, ये अभाव निषेध नहीं रहित या न का अर्थ रखते हैं। अब यहां मैंने लिखा है ना और गैर, जो कि उर्दू के उपसर्ग हैं। तो चूंकि हिंदी भाषा में उर्दू के भी कई शब्द बहुत अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, कभी हो सकता है कि कोई उर्दू का ऐसा बहुत ही प्रचलित शब्द आपको इस समास में दे दिया जाए कि भी इसमें आप पहचानिए कौन सा समास है। तो ये न का अर्थ रखने वाले दो उपसर्ग यहाँ पर मैंने लिखे हैं, गैर और ना। तो इनको जब हम शब्दों के साथ लगाते हैं तो न का अर्थ रखते हैं, जैसे कि गैर हाजिर, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे ना हाजिर। और नापाक एक और उदाहरण है, ना उपसर्ग लगा के जो हम बनाया है हमने, तो यहाँ पर देखेंगे न पाक, इस तरह से उसका समास विग्रह करेंगे। तो ये स्कूली स्तर पर इसको समझने की जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नए तत्पुरुष समास, इसके कुछ उदाहरण अब हम देखते हैं। सामासिक पद और उसका विग्रह, तो जैसे यहाँ लिखा है अगोचर, इसका विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा न गोचर, अचल न चल, अजन्मा न जन्मा, अधर्म न धर्म, अनंत न अनंत। तो आपने देखा इन सब में हमने यहाँ देखा अ जो यहाँ पर पूर्व पद है वह न का अर्थ रख रहा है। अनेक न एक, अनपढ़ न पढ़, अनभिज्ञ न अभिज्ञ, अन्याय न न्याय, अनुचित न उचित, अपवित्र न पवित्र, अलौकिक न लौकिक। और जैसा अभी हमने देखा असभ्य न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव, अनर्थ न अर्थ, असत्य न सत्य, अनाथ न नाथ, अजर न जर। तो इस तरह से हमने देखे कुछ उदाहरण। और अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रश्न आता है कि समस्त पद बनाओ और हमें समास विग्रह दिया गया है, तो इस तरह से हमें न उपस्थित दिया गया है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो जितने भी स्वर से शुरू होने वाले शब्द होंगे उनके साथ अगर न है तो आप जब सामासिक पद बनाएंगे तो अन लगाकर इस तरह से लिखेंगे अनुपस्थित, न उपस्थित इसका होगा अनुपस्थित,
और इसी तरह से उ से शुरू होने वाला एक और शब्द उपयोगी न उपयोगी दिया गया है, तो आपको सामासिक पद बनाना है। इस प्रकार से लिखेंगे अनुपयोगी, अन हलचिन्ह वाला और उपयोगी, तो इसको हम जब जोड़ेंगे संधि करेंगे तो अनुपयोगी बन जाएगा, लिखा जाएगा। और इसी तरह से आपने अनभिज्ञ में भी देखा था, यहाँ पे न अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो अ से शुरू हो रहा था यह शब्द। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, न योग्य दिया है तो उसमें हमने इस तरह से लिखा है अयोग्य। तो हम समझे कि अगर व्यंजन से कोई शब्द शुरू होता है और उसके आगे न इस तरह से लिखकर हमें समास विग्रह दिया गया है और उसका सामासिक पद बनाना है, तो हम अ लगाकर इस प्रकार से बनाएंगे अयोग्य। म मर, म से शुरू हो रहा है, ये व्यंजन है और इसके आगे न लिखा है, तो न मर अगर लिखा है तो इसको हम अमर समस्त पद लिखेंगे। न ज्ञान, ज्ञ भी व्यंजन है, तो हम इसका बनाएंगे सामासिक पद अज्ञान। अब देखते हैं कुछ अभ्यास कार्य। अमंगल में कौन सा समास है? अमंगल में यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो यहाँ पर न तत्पुरुष अलग से नहीं दिया, तत्पुरुष दिया है, तो हम जानते हैं तत्पुरुष का ही भेद है न तत्पुरुष। तो इन चारों ऑप्शन में हमको मोर अप्रोप्रिएट जो लगा है वो है तत्पुरुष, तो हम इसको तत्पुरुष ही सिलेक्ट करेंगे। अब है अनदेखा। अनदेखा का समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं अनजमा देखा, न देखा, बिना देखा, अनजमा देख। तो हम जानते हैं जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, इसका समास विग्रह होगा न देखा। और ये तद्भव शब्द है, तो हमने अन लगाकर इसको बनाया है। अनश्वर का समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें जो सही ऑप्शन है वह है तीसरा, न नश्वर। हमने अ उपसर्ग लगाया है। अब कभी आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको अव्ययी भाव समास भी लग रहा है वह, और नए तत्पुरुष समास भी लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सही है। तो उस स्थिति में आप याद रखिए कि अव्ययी समास से बना जो सामासिक पद होता है, समस्त पद होता है, वह अव्ययी ही होता है। अव्यय मीन्स उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं आता है, उसका रूप नहीं बदलता है। और नए तत्पुरुष समास में, जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ने से पहले इसके बारे में जाना था, उसमें हमने पढ़ा था कि समस्त पद का रूप बदलता है। तो जो भी नया शब्द बनेगा नए तत्पुरुष समास में उसका रूप बदल सकता है। जैसे अनेक है तो अनेकों हो सकता है, तो इस तरह से आप उसका रूप बदल कर देख लें। अस्थिर में कौन सा समास है? और अगर यहाँ पर अस्थिर इस तरह से कोई शब्द आ गया और वहाँ पर तत्पुरुष नहीं है, ना नए तत्पुरुष ना तत्पुरुष, और सिर्फ ये तीन दिए हैं, इसमें अव्ययी भाव समास दिया गया है, तब हम इसको अव्ययी भाव समास इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तो यहाँ पर उस आधार पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर तत्पुरुष समास दिया गया है तो हम तत्पुरुष समास, या नए तत्पुरुष दिया है तो नए तत्पुरुष समास सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। अप्रिय का समास विग्रह करिए। अप्रिय का समास विग्रह क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अनप्रिय, अनजमा प्रिय, न प्रिय, प्रिय रहित, तो इसका आंसर होगा न प्रिय। अदृश्य में कौन सा समास है? यहाँ पर लिखा है अपादान तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, संबंध तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नए तत्पुरुष समास। न छुआ का समस्त पद क्या होगा? इसका होगा अनछुआ, ये तद्भव शब्द है, इसका होगा अनछुआ। न अ और न, ना जो है वो बिना विसर्ग वाला होगा, बिना
न आवश्यक का समस्त पद क्या होगा? अनावश्यक। यहाँ पर ये क्या है? स्वर है और इसके आगे न है, तो न आवश्यक इसका समस्त पद बनेगा अनावश्यक। तो इसके साथ ही यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।